राजस्थान के सियासी रण का रुख करते हैं, जहां पर घमासान लगातार जारी है। एक तरफ गहलोत और पायलट में जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आमने सामने आ गए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कल रात फिर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर राज्यपाल को भेजा। 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा गया है और इस प्रस्ताव में बहुमत परीक्षण का कोई भी जिक्र नहीं है। कहा यह गया है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर ही चर्चा होनी है और उसी के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि गहलोत का प्लान विधानसभा में बिल लाकर व्हिप जारी करना है और पायलट गुट की सदस्यता खत्म कराएंगे। कल का दिन भी राजस्थान के लिए बहुत खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो उधर कांग्रेस देश भर में राजभवनों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। राजस्थान का ग्रेट पॉलिटिकल थिएटर जारी है। इतिहास में लिखा जाएगा कि कोरोना पर चर्चा के लिए पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी राजभवन का देश भर में घेराव करने जा रही है। कल 11 बजे से राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसलिए कि वो चाहते हैं कि राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। वो कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं। सनद रहे कि कोरोना की वजह से ही विधानसभा स्थगित की गई थी। दरअसल सोमवार के दिन राजस्थान में अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके बाद इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के वकीलों और कांग्रेस के नेताओं में एक मंथन चल रहा है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को कहा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं याचिका लेकर, उस याचिका को वापस लिया जा सकता है क्या। एक बार याचिका वापस हो जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष अपने मन से फैसला ले सकेंगे और विधानसभा के अंदर कार्रवाई के नाम पर सचिन पायलट गुट के लोगों को अयोग्य घोषित कर पाएंगे। दरअसल कहा जा रहा था ये कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत है और बहुमत साबित करने के लिए वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन जो नया प्रस्ताव भेजा है उन्होंने, नए प्रस्ताव में सत्र बुलाने को लेकर सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बात कही जा रही है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब जो अशोक गहलोत का ये नया प्लान है, क्या लग रहा है ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने नया जो पत्र लिखा है, जो बात शरद कह रहे थे कि उन्होंने ये पत्र लिखा है कि वो संसद विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और उसमें कोरोना को लेकर जो है वो विशेष चर्चा करेंगे और 6 बिलों को पास कराना चाहते हैं। इन बिलों को पास कराकर वो जो है अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे थे, अभी तक उनके पास बहुमत है, 109 विधायक उनके साथ हैं, वो बात उन्होंने इस पत्र में नहीं कही है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो विधानसभा के अंदर जो है बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कई विधायकों के जरिए जो है ये आरोप लगाया गया है कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में है और इसी को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ेगी और बीजेपी की तरफ से एक रहा जाएगा और ये पूरे राजस्थान में ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस रणनीति पे काम करेगी कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ही कहेगी कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए जो वो पत्र लिख रहे हैं उसमें वो ये बात क्यों नहीं लिखते हैं कि उनके पास वो बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। फ्लोर पर जाकर वो ये बात नहीं लिखते हैं, वो अन्य बातें लिखते हैं कि वो कोविड पे चर्चा करना चाहते हैं, 6 बिलों को पास कराना चाहते हैं, लेकिन बहुमत सिद्ध करने की बात नहीं करते। तो वो दो तरीके की बात कर रहे हैं, दोहरी बात करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं और गवर्नर को भी गुमराह करना चाहते हैं। ये बीजेपी की आगे रहने वाली रणनीति। शुक्रिया हिमांशु।